हेलो नमस्ते, मैं सीमा नाग आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही इजी तरीके से आप मटन करी घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मेरी रसोई में मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत आसान तरीके से कैसे मटन करी को तैयार किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं मेरी रसोई में। तो मैं आ चुकी हूँ रसोई में और यहाँ मैंने सरसों तेल लिया है। जब सरसों का तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने डाला प्याज, तेजपत्ता और खड़ी लाल मिर्च। डालकर प्याज को हल्की सी लाल कर लूँगी और ये सब मसाले हैं जिसका इस्तेमाल मैंने मटन के लिए किया है। तो मैं आसान तरीके से इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और जो लोग बाहर हैं घर से और उनको मन होता है खाने का पर वो बना नहीं पाते, वो लोग भी आसानी से ये बना लेंगे और खा लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो प्याज लिया है वो मोटा मोटा ही लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा। और ये देखिए, अदरक को छील लिया, लहसुन को छील लिया और डाल दिया मटन में। तो ये जो मसाले मैं डाल रही हूँ उसके लिए ना कूटना है ना पीसना है, बहुत ही आसान तरीके से आप डाल लेंगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और आपको मेहनत भी नहीं लगेगा। तो नमक और हल्दी डाल दिया मैंने मटन में। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये थोड़ी सी है लहसुन और जीरा गुलकी का पेस्ट। आप इसको चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आपका मटन का टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर खड़े गरम मसाले हैं जिसको मैं कूट रही हूँ। कूटा हुआ गरम मसाला मैं डालूँगी। आप यदि चाहें तो जिस समय प्याज आप डालेंगे उसके पहले ये सारे खड़े मसाले आप गरम तेल में डाल दें तो भी इसकी खुशबू आ जाएगी और आपको ये कूटना भी नहीं पड़ेगा। जिस तरह से मैं कूट रही हूँ इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको और मटन में गरम मसाले की अच्छी खुशबू आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने गरम मसाला को कूट लिया है और यहाँ मटन भी कुछ कुछ फ्राई होने लगी है। तो मटन में कुछ पानी आ गया था तो मैंने उसे बंद करके एक दो सीटी लगा लिया ताकि मटन कुछ पक जाए। और जब मटन पक जाएगा तो उसमें छिले हुए आलू को मैं धोकर रखी हूँ वो डाल दूंगी। ये आलू को आप तेल में फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर कि मैं इजी तरीके से आपको खाना बनाना बता रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ आलू को छील लिया, धो लिया और बीच से उसके दो टुकड़े करके मैंने मटन में डाल दिया। इससे भी अच्छी टेस्ट आ जाएगी मटन में, मटन का जो ग्रेवी है वो गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहे तो आलू को अभी नमक हल्दी लगा कर तल लें और तब उसको मटन में मिलाएं, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। मटन 100 में 80% आपको पक जाए तभी आलू डालिएगा, नहीं तो आलू पूरा पक करके आपको मिलेगा भी नहीं खाने में क्योंकि वो मटन के साथ पूरा गल जाएगा। तो यहाँ मटन मेरी फ्राई हो चुकी है, देखिए तेल बाहर आने लगा। अब मैं डालूंगी इसमें पानी। कूटा हुआ गरम मसाला है ये, बस इसको हल्के से कूट लिया है मैंने, वो डाल दिया। अब डालूंगी मीट मसाला।
तो ये मीट का मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इसके बाद मैं कुकर को अच्छे से सारी सामग्री मिला दूंगी और कुकर को मैं कर दूंगी बंद। और करीब 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पर इसको मैंने पकाया था। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। थैंक यू।